सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में रहेंगी? जी प्रिंस, आज क्या क्या खबरें दिन भर प्रदेश में सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, काफी कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। और सबसे पहली खबर की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी खबर की है कि अभी वो फिलहाल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में तमाम खनिज मंत्रियों की जो कॉन्क्लेव चल रही है उसमें शामिल होने पहुंचे हैं और उसके बाद शाम को 4 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे और वहां पर कैबिनेट की मीटिंग होगी। बड़ी मंगलवार को जो है कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें कई निर्णय लिए जाएंगे और हमेशा जब भी मंगलवार को मीटिंग होती है तो कुछ प्रस्ताव भी पास होते हैं। तो सबसे पहली खबर की अगर मैं बात करूं तो वो आ रही है शोपुर कूनो से। कूनो में एक मादा चीता ने 3 बच्चों शावकों को जन्म दिया है और ये एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि जहां उन शावकों के मरने की खबरें आ रही थी, चीतों के मरने की खबर आ रही थी, बीच बीच में ऐसी खबरें भी आती है जो सुखद होती है। और खासतौर से नामीबिया से लाए गए ये चीते यहाँ के क्लाइमेट में कितना अडॉप्ट कर पा रहे हैं, ये थोड़ा सवाल हमेशा बनता रहा है कूनो नेशनल पार्क में। लेकिन तमाम कवायदों के बाद, सरकार की बात कर लें, वन विभाग की कर लें और कूनो अभयारण्य की बात कर लें, तो कोशिश की गई है कि इन चीतों को वहाँ एक बेहतर पर्यावरण, बेहतर वातावरण मिले और वो उनकी जो संख्या है वो बड़े। तो एक बड़ी खुशखबरी वहां से ये आई है कि 3 शावकों को मादा चीता ने जन्म दिया है और निश्चित ही एक अच्छी सुखद खबर है। दूसरी खबर की ओर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से है बड़ी खबर है, अभी 11 बजे से पूरे जिला मुख्यालयों पे कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। वजह इसकी यह है कि अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला हुआ था जिसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल में भी रोशनपुरा चौराहे पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें खुद जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी शामिल होंगे और मौन धरना प्रदर्शन है। इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा वो नहीं किया जाएगा कि जिससे कि कोई गलत संकेत जाए, तो मौन धरना प्रदर्शन है। कांग्रेस इस बात को लेकर काफी एग्रेसिव है। तीसरी खबर की अगर हम रुख करें तो बीजेपी की खबर है कि बीजेपी इस बार बहुत तैयारी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की वाली है और माइक्रो लेवल पर वो तैयारी कर रही है कि कहीं ना कहीं बूथ से लेकर तमाम तरह पर वो मुस्तैद करे अपने कार्यकर्ताओं को और कहीं ना कहीं एक उनमें ऊर्जा का संचार हो और वो बेहतर तरीके से चुनाव के समय काम करें और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो और माइक्रो लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर बीजेपी क्लस्टर्स के जो तैयार कर रही है उसमें तमाम जिला और मुख्यालय और खासतौर से जो ब्लॉक और उससे भी निचले लेवल के बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करेगी और कहीं ना कहीं एक अपने एक्टिव मोड में है चुनाव को लेकर। अन्य खबरों की बात करें तो मौसम का भी मिजाज वैसा ही है जैसा चलता आ रहा है, ठंडक काफी है, दिन में तेज धूप है तो शाम को और रात को काफी ठंडक बढ़ जाती है कई शहरों का और खासतौर से भोपाल का भी पारा लुढ़क कर नीचे आ जाता है, इससे लोग थोड़े से हलाकान भी हैं कि रात को इतना टेम्परेचर डाउन होता है सुबह तक रहता है। तो निश्चित ही अब कुछ समय बाद जरूर इस पर मौसम में परिवर्तन आएगा देखने को मिलेगा। तो इस तरह की तमाम खबरें जो मध्य प्रदेश और भोपाल से बनी है, उसमें सबसे बड़ी खबर एक और है कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है, उनमें सभी विभागों के जो अधिकारी हैं मौजूद रहेंगे, मंत्रिमंडल पूरा मौजूद रहेगा और उसमें कई विभागों के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है आज की कैबिनेट की बैठक में और कुछ नए निर्णय भी प्रस्तावों पर आज की बैठक में शामिल हो सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कुछ सरकार जो है कुछ बेहतर निर्णय और कुछ प्रस्तावों को मंजूरी आज की बड़ी कैबिनेट बैठक में दे सकती है। और एक और खबर जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो एम्स से है और एम्स में अब गैस राहत पीड़ितों का इलाज भी होगा, ये भी एक बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक गैस राहत अस्पताल अलग से बना हुआ था, हमीदी हॉस्पिटल कैंपस में वहां इलाज होता था, लेकिन अब एम्स की इस पहल के चलते वहां पर भी जो गैस पीड़ित है, भोपाल गैस पीड़ित है, उनका इलाज होगा और कहीं ना कहीं बेहतर इलाज उन लोगों को मिलेगा। तो इस तरह की तमाम खबरें हैं जो भोपाल में है और राजनीतिक हलकों से लेकर तमाम चीजें जो चल रही हैं, जो उठापटक चल रही है, तमाम खबरें इस तरह की आज भोपाल और मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। जी